आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और ब्रेड के टेस्टी से स्नैक। ये बहुत बढ़िया बनता है और आप सबको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं आलू और ब्रेड के टेस्टी से स्नैक्स। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। ये देखिए, ये उबले हुए आलू मैंने ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। अब मैं एक प्याज ले लूँगी और उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, उसको भी हम काट लेंगे। और दो तीन हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे। अब आलू को मैं एक बर्तन में डाल दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आलू को हाथ से अच्छे से हम तोड़ देंगे और इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आलू को भी मैंने हाथ से अच्छे से तोड़ लिया है। अब इसमें हम अरारोट पाउडर डालेंगे 3 चम्मच। बिल्कुल भरी हुई नहीं डाली है मैंने, हल्की हल्की कम डाली है। तो इसमें हम 3 चम्मच अरारोट की डाल देंगे और फिर अरारोट को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हाथ से मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। अरारोट को भी अच्छे से इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम एक खाली बर्तन ले लेंगे। अब इसमें मैं एक कटोरी मैदा डाल लूंगी। ये देखिए, एक कटोरी मैंने मैदा ले लिया है इसमें। इसमें हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और फिर इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से इसमें चम्मच से इसको मिक्स कर दूंगी मैं सारी चीज़ों को। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे, घोल बना लेंगे, इसका पेस्ट नहीं घोल बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें पानी डालना है और इसका एक हमें पतला सा घोल बनाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, हल्का सा गाढ़ा बनाना है। ये देखिए, इसका मैंने घोल बना लिया है। अब ये देखिए, थोड़ी सी मैंने ब्रेड ले ली है। अब इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखिए, जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था वो मैंने ले लिया है। पहले हम ब्रेड को गोल शेप में काट लेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने एक कटोरी ली है और ऐसे एक ब्रेड ले लेंगे हम। कटोरी से उस ब्रेड को एक राउंड वाली शेप दे देंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम ब्रेड को एक ऐसे राउंड वाली शेप दे दी है मैंने ऐसे। और भी ब्रेडों को ऐसे ही हम गोल गोल कर कर काट लेंगे। ये देखिए, ब्रेड को मैंने काट लिया है। ये देखिए, सब ब्रेडों को मैंने काट लिया है। कुछ बच्चे हैं, उनको भी हम बाद में काट लेंगे। अब जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा ले लेंगे और ब्रेड पर लगा देंगे ऐसे करके। देखिए, ऐसे अच्छे से हम ब्रेड पर फैला देंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमने अच्छे से इस पर फैला दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम आलू का पेस्ट इस पर ब्रेड पर लगा देंगे और इसको फैला देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने अच्छे से आलू का पेस्ट लगा दिया है। जो हमने मैदा का घोल बनाया था वो ले लेंगे, एक बार उसको हिला लेंगे चम्मच से। और फिर जो हमने ब्रेड का रोल बनाया जो, उसमें हम इसको डिप कर देंगे।
ये देखिए ऐसे दोनों तरफ से हमें इसको डीप करना है और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे डीप करना है। ये मैंने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इसमें हम डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम एक और ब्रेड इसमें डाल देंगे और इसको पलटते हुए हम दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब इनको हम निकाल लेंगे ऐसे ही, और ब्रेड को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे ब्रेड के स्नैक्स बन गए हैं। देखिए अब इनको मैं बीच में से काट दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे हमारे स्नैक्स बने हैं। ये देखिए अब हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों हमारे ब्रेड और आलू के स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।